हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रज्ञा रंजन और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम 7th साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है हमारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, हमें मतलब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमारे अच्छे ग्रोथ, अच्छे डेवलपमेंट के लिए हमें न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत होते हैं। उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। न्यूट्रिशन से हम अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में यही न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि हमें उस हमारी न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों होती है, फिर हमें कौन कौन से प्लांट्स में न्यूट्रिशंस प्रेजेंट होते हैं, फिर टाइप्स क्या होते हैं उसके, फिर उसी तरीके से हम एनिमल्स में भी वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा डेफिनेशन इन न्यूट्रिशन का, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फूड, ठीक है। हम खाना खाते हैं, हमें फूड एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड यूजिंग फूड, हम जब खाना खाते हैं वो प्रोसेस को लेना, खाना खाना और उस फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है उसका यूज़ होना, लाइक जो भी एनर्जी है उसका यूज़ होना, कहाँ टेक प्लेस होता है, हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में टेक होता है, प्रोसेस होता है, उसी को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। मतलब खाना जो हम खाते हैं उसका सही तरीके से यूज़ होना, उसमें जो विटामिन है, मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है, वो हमारी बॉडी ले लेती है, ठीक है। नहीं तो फिर खाना खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। खाना खाओ और फिर रिलीज़ करो, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक उसमें हम जो अच्छी चीज़ें होगी वो अगर हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो खाना का कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो खाना जब हम खाते हैं तो उसका जो यूज़ होता है, लाइक जो भी हम एनर्जी मिलती है, जो भी मिलता है, उसका यूज होना अच्छी तरीके से, उसी को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन। फिर नीड फॉर न्यूट्रिशन, क्यों नीड होती है, क्यों जरूरत होती है। तो पहला है हमारा पॉइंट, टू सप्लाई द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग वर्क। हमें काम करते, दिन भर में पढ़ाई करते, खेलते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं, तो हमें उसके लिए एनर्जी चाहिए रहता है। तो वो हमारी न्यूट्रिशन जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी को ग्रो एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, उसके बिना हम अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हम बोल देंगे कि टू रिप्लेस द डैमेज सेल एंड रिपेयर द टिश्यूज़। तो जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं हमारे ऑर्गेन हमारे बॉडी में, उसको रिप्लेस करता है न्यूट्रिशन, ठीक है। डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, तो उसको दूसरे सेल से वो रिप्लेस करता है। और हमारा टिश्यूज़ जो होता है, जैसे कि हमारा कोई भी चीज़ ख़राब होता है तो हम उसको रिपेयर करते हैं, हमारी साइकिल ख़राब हो गई तो हम उसको रिपेयर करते हैं और यूज़ करते हैं फिर। सेम वे टिश्यूज़ जब ख़राब हो जाते हैं तो उसको रिपेयर करने का काम न्यूट्रिशन करता है, लाइक न्यूट्रिशंस उसको टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं और हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं उसको भी रिप्लेस करते हैं। फोर्थ पॉइंट ये हमारा टू फाइट डिसीज़। जो भी हम बीमार होते हैं, हमें बुखार होता है, सर्दी होता है, तो वो ऐसी चीज़ें ना हो, हमें बुखार, हमारी तबीयत ख़राब ना हो, हम सुरक्षित रहे, तो वो न्यूट्रिशन की मदद से हम डिसीज़ हमें नहीं होगा, अगर हमें अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिला तो, ठीक है। तो ये हमारा नीड हो गया न्यूट्रिशन का, हमने डेफिनेशन और हमने नीड पढ़ा। फिर हम देखेंगे सम लाइफ प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूसली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। हमारे अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेस लाइक चल ही रहे, अभी भी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, देखो मेरा हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूसली हो ही रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, मैं ब्रीथ कर रही हूँ। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं, वो चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सब्सटेंस विच आर डाइजेस्टेड एंड एसिमुलेटेड फॉर ऑप्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ अ बॉडी आर कॉल्ड एज फूड स्टफ्स। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद जो एसिमुलेट होता है, एसिमुलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट होता है फूड और जो फूड के जो यूज़फुल चीज़ होते हैं वो हम एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी बॉडी, और जो नहीं यूज़फुल होता है वो एलिमिनेट हो जाता है हमारी बॉडी से, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है हमारे लाइफ लाइक बॉडी में। तो क्या बोला इसमें, द सब्सटेंस विच आर डाइजेस्टेड एंड एसिमुलेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। जो हम चीज़ें हमने खाई, फूड स्टफ्स, बेसिकली हम उसको फूड स्टफ बोलते हैं, हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, उसकी यूज़फुल चीज़ें हम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हमारी यूज़फुल होती है ग्रोथ एंड हेल्थ में, उसी को हम बोलेंगे फूड स्टफ्स, ठीक है। खाना, ये फूड स्टफ्स की वजह से ये सब होता है, ठीक है। वी गेट सेवरल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड स्टफ्स। और हमारे जो फूड स्टफ्स होता है, कुछ भी ले लो, एग ले लो आप, मिल्क ले लो, रोटी ले लो, ये सारे फूड स्टफ्स हो गए, तो इनसे हमें बहुत तरीके के न्यूट्रिशंस मिलता है। तो हम न्यूट्रिशंस को बेसिकली दो चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
सिंपल टर्म्स में याद रखो तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी एंड माइक्रो का मतलब होता है छोटी स्मॉल क्वांटिटी. ओके, न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी. दिस आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स ले लो, प्रोटीन्स ले लो, फैट्स ले लो, ये सब बड़ी मात्रा में चाहिए रहता है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए रहता है, तो इस वजह से हम उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. और जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वो हमारे बॉडी में लाइक स्मॉल क्वांटिटी में दिया तो भी चलता है, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, मैक्रो और माइक्रो में कन्फ्यूज मत होना. मैक्रो का मतलब होता है लार्ज क्वांटिटी एंड माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी. इसके एग्जाम्पल्स भी दे दिए, तो ये आपको याद रखना है. कार्बोहाइड्रेट पूछेंगे कि वॉट कार्बोहाइड्रेट्स कौन सा टाइप का न्यूट्रिएंट्स है, तो आप बोलोगे इट इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स याद रखना है आपको. फिर आता है हमारे दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स, अगेन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड दस नरिश देमसेल्फ. जो और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, खुद बनाते हैं और अपने आप को ही नरिश करते हैं, खुद को ही नरिश करते हैं, खुद की देखभाल करते हैं. ऐसे ऐसे जो होते हैं उनको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब वो अपने आप को ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. और हेटरोट्रॉपिक देख लो आप, उसका उल्टा समझ लो कि वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं. सम ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए फॉर देयर फूड. दिस आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, या तो किसी प्लांट पे डिपेंड करते हैं या तो किसी एनिमल्स पे न्यूट्रिशन लेने के लिए, खाना खाने के लिए. तो ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन को बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आप याद रख लो, ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है खुद का देखभाल खुद ही करना, और हेट्रो का मतलब होता है दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंड होना फॉर द फूड. फिर आता है हमारा नेक्स्ट टर्म विच इज़ ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स. ठीक है, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स. ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, खुद का खाना खुद ही बनाना. तो ये हम प्लांट्स हम जो होते हैं वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ. जैसे एनिमल्स ह्यूमंस को भी चाहिए रहता है फूड, चाहिए रहता है ग्रोथ के लिए, वैसे ही प्लांट्स को भी चाहिए रहता है फूड ग्रोथ के लिए. दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. और जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्या क्या जरूरत होती है उनको, सनलाइट चाहिए रहता है जो कि उनको सन से मिलता है, क्लोरोफिल वो ऑलरेडी उनके लीव्स में देख लो आप, उनके लीव्स ग्रीन होते हैं, स्टेम्स होते हैं, वो जो भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट्स का उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. प्लांट्स मेक दे ओन फूड इन द लीव्स यूजिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. क्या करता है वो, सनलाइट लेता है सन से, क्लोरोफिल तो उसके लीव्स में होता है, और अपना वो खाना कहाँ बनाते हैं, लीव्स में बनाते हैं. कि क्या यूज़ करते हैं और क्या क्या लगता है उनको, पानी लगता है, वाटर लगता है, और न्यूट्रिएंट्स लगता है जो वो सॉइल से ले लेते हैं, सॉइल के थ्रू वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी उनको लगता है जो कि वो एयर से ले लेते हैं. ठीक है, तो वो मतलब कहीं ना कहीं से लैंड से भी, एयर से भी, देन हर जगह से, एटमोसफेयर से भी वो चीज़ें लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, और उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस. ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा, मैंने ये बहुत, ये फोटोसिंथेसिस का टर्म मैंने आई गेस फर्स्ट चैप्टर में भी लिया था ऐसा मुझे लगता है. तो ये टर्म आपने बहुत सुना है लेकिन आपको पता नहीं होता क्या है. तो ये बेसिकली इसका प्रोसेस है, और ये आपको फोटोसिंथेसिस का टर्म आप जब तक साइंस पढ़ोगे आपको तब तक काम आएगा. ठीक है, तो ये डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने की, फूड अपना खाना बनाता है और क्या क्या लगता है उसको. ठीक है, तो उसका एक रिएक्शन भी है, हमें रिएक्शन भी देखेंगे क्या होता है. जब हम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कहाँ से लेते हैं हम, इसको एयर से लेते हैं, और फिर हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, सॉइल के अंदर से. ठीक है, और किसके प्रेजेंस में लेते हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में लेते हैं. तो क्या बनता है खाना, उसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं. और हमें क्या मिलता है बाद में, उससे ऑक्सीजन भी मिलता है जो कि हम यूज़ करते हैं, जो कि रिलीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, और वही ऑक्सीजन हम रिलीज़ करते हैं. ठीक है, तो जो प्लांट होता है वो ये सब चीज़ें लेता है इनके प्रेजेंस में, और ये अपना खाना बनाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रिलीज़ करता है. इसका डायग्राम आप देख सकते हो, ये देखो, ये हमारा फोटोसिंथेसिस हो गया, सनलाइट लिया उसने सन से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लिया, ओके, क्लोरोफिल उनके लीव्स में होता है, फिर वाटर, मिनरल्स एंड सॉल्ट उसने सॉइल से ले लिया. ठीक है, देखो ये जा रहा है प्रोसेस, और क्या बनता है, इनका खाना बनता है जो कि लीव्स में स्टोर करते ये लोग, और साथ ही साथ ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज़ होता है. ये देखो, ये साइन मतलब, इसका मतलब होता है रिलीज़ हुआ, और इसका मतलब होता है उन्होंने लिया, ये लिया उन्होंने, और ये ऑक्सीजन को रिलीज़ किया. ठीक है, तो ये ओवरऑल है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. डायग्राम आपको याद करना है तो आप रख सकते हो, बहुत इजी डायग्राम है. ठीक है, तो ये था हमारा ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स, और हमने देखा कि वो कैसे अपना खाना बनाते हैं.
प्लांट्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ फूड. तो जो लाइट एनर्जी होती है, कौन होती है लाइट एनर्जी हमारी, कहाँ से मिलती है उनको, तो हम बोल सकते हैं सनलाइट से उनको लाइट मिलती है, करेक्ट. तो वो जो सनलाइट होता है उसी को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ठीके? और वही वो यूज़ करते हैं, यही उनका खाना होता है, और वो स्टोर करते हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ फूड, और जब चाहे मन तब वो उसको यूज़ कर लेते हैं. वाटर मिनरल्स एंड सॉल्ट आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल. हमको पता है जो वाटर मिनरल्स और सॉल्ट होता है वो कहाँ से ले लेते हैं, रूट के अंदर से ले लेते हैं, ठीक है, रूट्स के थ्रू वो ले लेते हैं फ्रॉम द सॉइल. द स्टेम ट्रांसपोर्ट देम अप टू द लीव्स. तो जो स्टेम होता है, ये देखो जब ये स्टेम हो गया, किसी भी प्लांट का स्टेम होता है, और ये हमारे लीव्स होते हैं, ठीक है, ठीके? तो ये रूट्स हो गए ना, तो ये वाटर न्यूट्रिशन इधर लेते हैं और इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है. द स्टेम्स ट्रांसपोर्ट अप टू द लीव्स. ये स्टेम के थ्रू ये लीव्स में जाते हैं. द लीव्स हैव माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा थ्रू विच दे टेक इन द CO2. लाइक CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. तो जो लीव्स होते हैं अगर हम उनको माइक्रोस्कोप में देखें तो उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसी को हम बोलेंगे स्टोमेटा, ठीक है. तो वो जो लीव्स होते हैं उनके माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, और इस वजह से वो उसके थ्रू वो CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं एयर से. जैसे कि हम अपने नाक से सांस लेते हैं, हम अपने नोज़ के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं, सेम वे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास तो कोई स्पेसिफिक नोज़ नहीं होता, तो वो CO2 लेते हैं, ठीक है, उनको ब्रीथिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, तो वो लीव्स के थ्रू, लीव्स में पोर्स होते हैं, तो उसके थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लेते हैं. द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीव्स कंटेन क्लोरोफिल. तो लीव्स में हमारे क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसका डायग्राम कुछ इस तरह होता है. लीव्स में होता है क्लोरोप्लास्ट, देखो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसको डिटेल में अब अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड में ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है. तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है लीव्स में कंटेन क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है विच एब्जॉर्ब सनलाइट हेल्पिंग टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड. तो वो होता है, तो फिर वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, क्या करता है फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो लेता है ना, उसके लीव्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसको और पानी को वो फूड में कन्वर्ट करता है. अभी हमने रिएक्शन देखा है, ठीक है, और फिर उस प्रोसेस के थ्रू वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ठीक है, एटमोसफेयर में, और वही ऑक्सीजन हम लेते हैं ब्रीथ करने के लिए. बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सम अदर पार्ट्स लाइक ग्रीन स्टेम्स टू एज दे कंटेन क्लोरोफिल. तो मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि लीव्स ही हो, जो भी ग्रीन पार्ट होगा प्लांट्स का, उस हर ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो वो कहीं भी फोटोसिंथेसिस किसी भी लाइक स्टेम्स में भी हो सकता है, ओके. जैसे कि इधर दिया है, स्टेम्स का भी एग्जांपल दिया है. तो हमने देखा कि क्या वो लाइक हमको पता है ये कहाँ से आ रहा है, न्यूट्रिशन सॉइल से आ रहा है, ठीक है. ये अब तक हमने भी देखा कि वाटर मिनरल्स ये सॉइल के थ्रू आ रहे हैं, फिर CO2 हमारा एटमोसफेयर के थ्रू आ रहा है, पर वो कौन लेता है, लीव्स में होता है. फिर हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट भी एक टर्म होता है जिसको फिर वो सनलाइट वगैरह एब्जॉर्ब करके उसको फूड में कन्वर्ट करता है, ठीक है. तो ये ओवरऑल प्रोसेस हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस का, ये हमारा फोटोसिंथेसिस का डायग्राम, और ये हमारा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, ओके. आई होप समझ रहे हैं आप लोगों को. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, ठीक है. अब हमको अगर इंसानों को अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना होगा तो हम अपना लेग्स यूज़ करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन प्लांट्स के पास तो ऐसा कोई स्पेसिफिक लेग्स या ये सब होता नहीं है, तो फिर उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है. तो हम वो देखेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. तो हमारे प्लांट्स के दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्यूलम. ये दो नाम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है. तो देर आर टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन प्लांट्स, एक है जाइलम और दूसरा है फ्यूलम. तो जाइलम क्या करता है, जाइलम ट्रांसपोर्ट मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. जाइलम क्या करता है, जो मिनरल्स रहता है, ठीक है, मिनरल्स और पानी रहता है, वो कहाँ से, हमको पता है मिनरल्स और पानी कहाँ से लेते हैं, रूट्स, रूट के थ्रू वो लेते हैं, और वो जितने भी एरियल पार्ट्स जैसे कि फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गए, स्टेम्स हो गए, ये एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स है, वो सबको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है. ये जाइलम का काम है, ठीक है. फ्यूलम क्या करता है, फ्यूलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड माने कि ग्लूकोज, ठीक है, फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेर इट इज़ इधर कंज्यूम्ड और स्टोर्ड. हमको पता है सब कहाँ स्टोर होता है, लीव्स में. तो वो लीव्स से फूड लेके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, वो उधर वो लाइक ट्रांसपोर्ट करता है, और या तो वो जो अब प्लांट्स के ऊपर, या तो उनको कंज्यूम करना या तो उनको स्टोर करना, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है.
तो ये डायग्राम है हमारा, ठीक है। तो ये देखो, आप देख सकते हो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो ये आप देख सकते हो लीव्स में, सेक्शन ऑफ लीव्स, उसमें जो ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का जाइलम होता है, और जो पिंक कलर का है वो फ्यूलम है, ठीक है। तो ये जाइलम फ्यूलम होता है दोनों भी। तो जाइलम बेसिकली लिक्विड चीज़ें वो करता है ट्रांसपोर्ट, जैसे कि वाटर ले लो, मिनरल्स ले लो, ठीक है। और फ्यूलम जो होता है वो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ये आपको याद रखना है, फूड और जाइलम का, वाटर एंड मिनरल। तो ये हर सेक्शन में दो चीज़ें होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, जैसे कि ब्लू कलर का जाइलम है, तो ये रूट से पानी लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, कहाँ मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरियल रूट्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में लेके जा रहा है। और जो फ्यूलम है वो नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि लीव्स ऊपर होते हैं, तो वो लीव से फूड लेके जितने जितने लाइक हर जगह वो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स था, ठीक है। देन प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हमारा कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस के मदद से। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बनता है हमारे, उसमें क्या क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, और हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। और वैसे ही प्रोटीन जो होता है वो किससे बनता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से एंड नाइट्रोजन से। लाइक उसमें कार्बोहाइड्रेट में वो तीन चीज़ें होती है, वो तो होती ही है, साथ में उसमें एक एडिशनल चीज़ होता है जिसको मैं बोलूँगी नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कार्बन किन, कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों से बनता है, प्रोटीन किन चीज़ों से बनता है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है। एयर कंटेन गैशियस नाइट्रोजन, और हमको पता है एयर में CO2 होता है, O2 होता है, और साथ ही साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। हमने ये सब पढ़ा, ऑलरेडी पढ़ी हुई चीज़ है, नया कुछ टर्म नहीं है इसमें। हाउएवर प्लांट्स के नॉट यूटिलाइज गैशियस नाइट्रोजन, लेकिन जो प्लांट्स होता है ऑक्सीजन, लाइक वो CO2 लेता है एटमोसफियर से, लेकिन नाइट्रोजन वो नहीं ले सकता। इट नीड्स टू बी फिक्स्ड, दैट इज़ कन्वर्टेड इन टू कंपाउंड्स। लेता है लेकिन नाइट्रोजन एज अ होल गैशियस एलिमेंट नहीं, उसको वो, अगर वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया कंपाउंड में तो वो उसको ले सकता है, मतलब उसी, उसको हम बोलेंगे फिक्सेशन बोलते हैं हम उसको। नाइट्रोजन को फिक्स होना पड़ेगा, फिक्स मतलब एक जगह पे रुका नहीं, फिक्स का मतलब होता है कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स, ठीक है। और उसी को हम बोलेंगे फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। और ये दो इसके दो मेथड्स होते हैं फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बायोलॉजिकल मेथड, एंड सेकेंड मेथड होता है एटमोस्फेरिक मेथड, ठीक है, समझ रहे हैं आपको। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्लांट ले सकता है, लेकिन नाइट्रोजन हमारा प्लांट नहीं ले सकता। लेने के लिए उसको पहले तो हम कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको कंपाउंड में। एक बार वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया तो वो इजीली ले सकता है, लेकिन वो अभी फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन ऐसे चुटकियों में नहीं होता। उसके लिए हमें एक अलग से मेथड पढ़ना पड़ेगा जिसके थ्रू फिक्सेशन होता है। तो वो दो मेथड है हमारे, बायोलॉजिकल मेथड एंड दूसरा है एटमोस्फेरिक मेथड। पहला हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन देखेंगे ऑफ नाइट्रोजन का। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ब्रिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बेसिकली दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ही वो दिखेंगे, वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो दो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके थ्रू हम ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन ला सकते हैं। पहला है रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट कंटेन राइजोबियम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये लेग्यूमिनस प्लांट का जो रूट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, ये राइजोबियम होता है पहला वाला। ये देखो, ये पिक्चर है, ये रूट्स है उनमें, ये जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ना, ये है राइजोबियम हमारा, ठीक है। ये हमारा लेग्यूमिनस प्लांट्स का रूट है, उसमें ये राइजोबियम प्रेजेंट होता है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू इट्स नाइट्रेट अ कंपाउंड। तो ये क्या करता है, एटमोसफेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको कन्वर्ट करता है नाइट्रेट में। अभी नाइट्रेट हमारा एक कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया आसानी से। तो पहला कौन करता है, ये राइजोबियम करता है। और हमारा दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एजोबैक्टर। ये दो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है कि ऐसे कौन से दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो हमको लिखना है राइजोबियम और सेकेंड है एजोबैक्टर। तो राइजोबियम को मैंने आपको बताया कहाँ प्रेजेंट होता है, वो इनके लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में होता है और वो एटमोसफेयर से नाइट्रोजन लेता है और उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फिर वो कंपाउंड में बन जाता है। फिर दूसरा हमारा है एजोबैक्टर विच इज़ प्रेजेंट इन सॉइल, वो सॉइल में प्रेजेंट होता है। दे ऑल्सो कन्वर्ट एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स। वो भी हमारे जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो भी उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये देखो, ये मार्केट में मिलता है, ये फार्मर्स बेसिकली यूज़ करते हैं। इसमें लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखो जूम करती हूँ, ये देखो इसमें लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन बायो फर्टिलाइजर्स। और इसमें भी लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन
बायो फर्टिलाइजर्स, तो ये एजोबैक्टर है दूसरा, और दूसरा है राइजोबियम, ये होता है इनको हम सॉइल में डालते हैं तो ये कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, फास्ट ग्रोथ एंड बिगर हेल्थ फ्रूट, ये देखो ठीक है। ये हमारा हमने ये हमने बायोलॉजिकल मेथड देख लिया। अब हमें हमें पता है दो मेथड थे, एक बायोलॉजिकल था, एक था हमारा एटमोस्फेरिक मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड ये रहा, और हमारा एटमोस्फेरिक मेथड क्या है, एटमोस्फेरिक फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसमें क्या होता है, लाइटनिंग जिसको हम थंडर बोल्स भी बोलते हैं, ऑकर इन रेनी सीजन, बारिश में बहुत ज़्यादा चमक बिजलियाँ चमकती है। दिस कॉज एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू रिएक्ट विद ईच अदर। तो जो हमारा नाइट्रोजन होता है एटमोसफेयर में प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, सॉरी रिएक्शन होता है दोनों के बीच में, ठीक है, रिएक्ट करते हैं विद ईच अदर टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड जिसको हम NO बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला NO है, जिस ये NO सिंबॉलिक है उसका रिप्रेजेंटेशन। तो जो ये दोनों O2 और NO, N होता है, नाइट्रोजन होता है, वो रिएक्ट करके बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड, विच इज़ अगेन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वापस वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो पहले ये NO था, जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ मतलब एक और ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो अब ये O2 हो गया, NO2, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजेशन का मतलब समझ में आया आपको कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये भी आप आगे स्टैंड में पढ़ोगे, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। तो जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड होता है NO, वो अगेन कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, जिसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रिक एसिड। तो ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो हमारे रेन वाटर में डिजॉल्व होके किस में बन जाता है, नाइट्रिक एसिड में, ठीक है, विच गेट्स एडेड टू द सॉइल अलॉन्ग विद द रेन वाटर। पानी बारिश होके किधर जाता है, सॉइल में जाता है, तो ये डिजॉल्व हो जाते हैं इसके साथ, तो ये इसके साथ चला जाता है सॉइल में, और वही प्लांट्स यूज दिस नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ। तो जब सॉइल से क्या लगता है, इधर से उगते हैं ना प्लांट्स, तो वो नाइट्रोजन लेते हैं और ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बायोलॉजिकल और एटमोस्फेरिक फिक्सेशन हो गया। तो अब अगला टॉपिक हम अपने अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब तक आपको इतना ही, इतने जो सिखाया अब तक आप वही याद रखो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा आ रहा होगा, तो ज़रूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाक से जाके सब्सक्राइब करना। थैंक यू।